आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से, लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली। ना ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, ना चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित हैं। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्क क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन का कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार, अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80-85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको सुनिए जरा, आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम, आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, देखिए मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने, आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक, तो इमैच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा, अंजना जी हिम्मत है तो सुनिए जरा, आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे प्लीज आलोक जी, आलोक जी प्लीज सुनिए, शांति से तो आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं, प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेंपर, ब्रिंग डाउन योर टेंपर, सुनिए ना मैडम, आप सुनेंगे, अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए प्लीज, आई विल ब्रिंग डाउन माय टेंपर बट आई विल नॉट टेक माय वर्ड्स बैक, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है, किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया, राफेल की जांच नहीं होने दी, जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा, यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? आलोक शर्मा जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए, आप 2-3 लाइन में, लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई थी गृहमंत्री की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई, इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हो, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है, लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है, किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए, मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरिपक्व 4 बार कहा, इमैच्योर्ड, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका, इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है।
कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अनाली अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में? एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपके विशिष्ट लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे, बच्चों को कहे कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए। अंजना जी, लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया, आलोक शर्मा जी, तरह से एक तरफा डिबेट, आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए, और बेवजह से दो चीजों को मत लेकर कर मैं संयम रखे हुए हूँ। लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, आज तक का उसके बारे में मत बोलिए, तो मुझे एग्जांपल देना। बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी, और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अभी दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अभी दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा। अंजना जी, वापस टॉपिक पर आता हूं। आपने आज लेकिन हमारे वो साथी भी अभी दुनिया में नहीं है, तो आप उन पर उंगली मत उठाइए क्योंकि उनका शो था। आप वापस में, बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया, टॉपिक पर आइए। इस दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, इतना समय मत दीजिए, ठीक है? वापस आता हूं मैं, वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं, इसके हमने जेपीसी की जांच की है, एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2-3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई। और उसमें कुछ चैनल्स का, कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, तीनों जांच के दायरे में, और इसीलिए हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। सत्यप्रकाश मिश्र जी वो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, और जो आधार है, और जिस तरह से हर संस्था पर सवाल, मतलब सीधा कोई रिपोर्टर एक सवाल पूछ रहे जो पसंद ना आए, बीजेपी का बैच पहन लो। देखिए, जांच सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में की, जांच से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जांच का नतीजा भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता जैसा चाहते हैं। कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है, अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। अरे पत्रकार तोता नहीं होता आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। अगर कांग्रेस जिस दिन चुनाव नतीजा आ रहा था, इतना खूबसूरत शेर आपके पक्ष में सुनाया था कि जलाने वाले जलाती हैं चराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, तो सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया। आप समझिए, पत्रकार वो सवाल उठाएगा आपके हिसाब का नहीं उठाएगा, तोतागिरी नहीं करेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा, उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना, सवाल तो तीखा ही होगा। हमने आज तक किसी पत्रकार पर, हमारे खिलाफ जो भी लगा, आज तक किसी पत्रकार पर नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने कोई तोहमत नहीं लगाया। आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जवाब है नहीं राहुल जी के पास, कह दिए क्यों भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझिए आलोक शर्मा जी, सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है, और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं, आपकी वो प्रवृत्ति है। लोकतंत्र पर आपको सवाल पूछने का फिर हक नहीं है। अनुराग जी, एक बात, क्योंकि अभी कोर इश्यूज पर मैं आ ही नहीं पा रही हूं, उस पर एक टिप्पणी हो जाए। अनुराग, आपने देखा वो, ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए, 400 पार हर चैनल, 400 पार, तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना, क्या फासले थे समाज के अंदर में,
तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते, और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी, इसलिए रोने लगे थे क्या? वो अफसोस है, मेरी बात, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं नहीं, कब से, लेकिन कब से भदौरिया में क्या पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, कब से हो रहे हैं और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार 94% है। ओपिनियन पोल 400 पार, आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश की थी कि, लेकिन हम डरे नहीं, फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये हम लोगों का हौसला था, हमें कोशिश तो बहुत की गई, सत्ता पक्ष से कोशिश की गई डराने की, क्या क्या एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया विपक्षी नेताओं के सामने, कैसे कैसे हम लोगों के पर आरोप लगते रहे। ये सच है, हर मीडिया हाउस ने नहीं किया, लेकिन कई मीडिया हाउस ने किस तरह के सवाल पूछे विपक्ष से, कभी सत्ता पक्ष से पूछने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे, कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे। आज सवाल कुछ अलग गलत हो सकता है, लेकिन ये तो सच था कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र हमें खोजना पड़ता था, हक मांगना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था, जो आज कम से कम। क्या बात कर रहे हैं अनुराग जी, रोज बैठते थे, सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते हैं मेरे शो में, फिर वही बात, कितने दर्शक लिखते हैं कि आप अनुराग जी को इतना टाइम क्यों देते हैं, आज चिल्लाना पड़ता तो कम से कम इज्जत से बोलने को मिल रहा, नहीं चिल्लाना पड़ता, छीनना पड़ता था। अरे अंजना जी, छीनना पड़ता था, आप अपने से कंपेयर हर एक को क्यों कर रहे हो, हम लोग तो हर चैनल में जाते हैं, किस तरह से छीनना पड़ता था, आपके बगल में बैठे हैं जो बड़े आज तक पर आप ये शिकायत नहीं कर सकते। नहीं नहीं, संत बने आपके बगल में बैठे हैं। एक बार ये नंबर्स देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बता रहे हैं 1984 में अगर 404, हालांकि फिर 14 असम और पंजाब में जब वोटिंग हुआ उसका 414 पर वो सीटें चली गई थी, तब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वोट शेयर हम इधर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा को आप टिल्ट कीजिए, तब सीट्स की तरफ जाएगा। हाँ, उसके बाद से स्पष्ट जनादेश की सरकार सीधा जाकर 2004 में बनी, माफ कीजिएगा 2014 में बनी, जो हम आपको सीट दिखा रहे हैं। 1984 में कांग्रेस 404, पंजाब असम जोड़ने के बाद 414, स्पष्ट बहुमत की सरकार। लेकिन उसके बाद सीधा स्पष्ट, अगर 2009 में भी जो बहुत नंबर्स आए तो कांग्रेस पार्टी के 206 आए थे, 2014 में 282, 2019 में 303, 272 से काफी आगे दोनों बार। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और 1% वोट, लगभग 1.5% वोट गिरावट, 1.14% वोट गिरावट के साथ वो 240 सीटों पर अटक गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। अब अनुराग जी, दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग अच्छा है, आपकी तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2004 में भी अगर मैं सही हूं तो 35 सीटें ही समाजवादी पार्टी की आई थी, इस बार 37 आई है, सवाल कीजिए। लेकिन अब होता क्या है कि हर जगह डिबेट पे जाते नहीं है, इनके नहीं जाना उनके नहीं जाना, सारी खी जाकर यहीं पर निकालिए। और आपको भी पता है कि आज तक पर और मौसमी सिंह और चाहे हल्ला बोलो, हर किसी को उतना ही मौका दिया जाता है, तो कहानी नियामत बनाए। नहीं, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब तो समझ में आना चाहिए कि उसने जनता के साथ अन्याय किया है। अभी भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको अभी जब हारने के बाद कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे अग्निवीर योजना जो की है उसमें कम से कम इनकी पार्टी के जेडीयू के लोग आवाज उठा रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, आप जिन पे आपने धर्म के नाम पे राजनीति की, तो प्रभु राम ने आपको ही नकार दिया, तो कम से कम प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, इनको मानना चाहिए। अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, आप बनारस की सारी अगल बगल की सीटें हार गए, आप लखनऊ की अगल बगल की सीटें हार गए, जहां से बड़े नेता आपके लड़ते हैं गोरखपुर, वहां अगल बगल की सीटें हार गए, तो आपको जिताएगा जनता ने दोहरा दिया, फिर मानो ना कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं, ये चिंता की बात है। ठीक है गर्व जी, जवाब दीजिए, और कैसे दोनों को राजी करेंगे, अग्निवीर पर, मुस्लिम आरक्षण पर? मैं बताता हूं, देखिए पहले तो किसी को दलाल बुला देना, किसी को कहना भाजपा का बैज लगा लो, और उसके बाद सवाल भी मीडिया क्या पूछेगी, क्या क्या बोला, याद दिलाऊं, कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। अंजना जी याद दिलाऊं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे, याद दिला दूं, एक बात जरूर कहूंगा, मैंने मैं याद दिलाऊं, बीच में अनुराग जी प्लीज, प्लीज अनुराग जी प्लीज, प्लीज कराइए इनको प्लीज, अनुराग जी प्लीज, बदतमीजी है ये तो, और ये क्या भाषा है, मैं बोलो नहीं, मैं बोलो तुम बदतमीज हो, तो मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका संबोधन कर रहा हूँ, तुम तो आपकी लायक, आप सुनने लायक हो ही नहीं, किस भाषा का इस्तेमाल करते थे याद दिलाऊं आपको? अच्छा ठीक है, हो गया हो गया, अनुराग जी, अनुराग जी प्लीज, और आप भी ये तोता और मैना मत लाइए बीच में, गौरव जो होगा वही करेगा, तो कौन करता है अनुराग जी, नहीं मैं भाषा में, ठीक है अब हो गया, गौरव जी प्लीज बोलने दीजिए, गौरव जी बोलिए,
हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारी 240 सीटें आती हैं, इनकी 37 सीटें हैं। आज हर कोई पूछ रहा है जिसकी 240 सीटें आई हैं, जिसने 1962 के बाद इतिहास रच दिया, तीसरी बार लगातार सरकार आई है और वोट प्रतिशत में भी कमी नहीं हुई है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, उसके लिए तो कह रहे हैं कि हार गए। और अपनी 37 सीटें आई हैं, 99 नर्वस 90 पे कांग्रेस पार्टी का विकेट उखड़ गया। और 1991 के बाद, अंजना जी 1991 के बाद कभी भी 240 का आंकड़ा पार नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो जीत किसकी हुई है? मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए नरेंद्र मोदी जी में सबकी आस्था है, एनडीए की बैठक कल हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ है और संविधान की दृष्टि से जो उचित है हमेशा वही कार्य नरेंद्र मोदी जी और सारे घटक दल करेंगे। दूसरी बात, जो राष्ट्र हित में होगा हमेशा वो करेंगे। लेकिन ये विपक्ष घमंडिया के लिए बर्नौल मोमेंट है, क्योंकि रविवार को जब ये शब्द बोले जाएंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो बहुत जगह धुआं और आग आग दिखेगी आपको, और इसीलिए इस तरह की अनर्गल बातें की जा रही हैं। ठीक है अनूप बुगी जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, ये मुस्लिम आरक्षण वाला जो मसला है कैसे फंसेगा, एक बार ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। आप लोग तो 4% देना चाहते हैं और इनका तो पूरा चुनाव ही इसी बात पर लड़ा गया है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में यहां वहां मुस्लिम आरक्षण देना चाहती है, कैसे समन्वय बैठेगा? तमाम आज तक पैनलिस्ट को नमस्कार। हमारी अब गठबंधन सरकार आंध्र प्रदेश में भी है, गठबंधन सरकार एनडीए में भी है, तो हमारा गठबंधन सरकार का एक मैनिफेस्टो रिलीज करे, वो मैनिफेस्टो पढ़ लिए तो हम लोग क्या वादे करें पब्लिक से, हम क्या करते उसमें समझ में आ जाता। तो वो मैनिफेस्टो के हिसाब से ही हमारे हामी रहे, वो मैनिफेस्टो के हिसाब से ही गठबंधन सरकार जो निर्णय लेती और निर्णय के साथ टीडीपी वहां आंध्र प्रदेश में भी चलेगी, वही निर्णय के साथ एनडीए सरकार में भी चलेगी। सो ये गठबंधन की निर्णय रहेगी। देखिए 5 मई 2024 को अनूप जी, 5 मई 2024 को स्टेटमेंट है चंद्रबाबू नायडू का कि हम शुरू से ही 4% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का वादा करते हैं, आप वो करेंगे? उसके बाद मैनिफेस्टो भी रिलीज करें, हम जनसेना और भाजपा के साथ अलायंस करके उसके बाद मैनिफेस्टो भी रिलीज करें। ठीक है, मैनिफेस्टो में नहीं है आपके, लेकिन मैनिफेस्टो तो सत्य प्रकाश मिश्रा जी की पार्टी ने रिलीज ही नहीं किया, क्योंकि वो लोग मान रहे थे कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है तो बस एक लाइन में डटे रहेंगे, सटे रहेंगे हर मुद्दे पर, एक लाइन में। इसमें बिल्कुल कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, एनडीए में बने रहेंगे।